आज का टॉपिक है कि प्रत्येक बच्चा अलग है। ये बात हम सब भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा अलग है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा कुछ पार्ट्स में अलग अलग कैटेगरी को बांटेंगे, तो हमें थोड़ा समझने में आएगा कि हाँ, कि हम जब विचार कर सकते हैं कि हमारा बच्चा का इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है। तो ये जो श्रृंखला हमारी चल रही है, जिसमें अभी तक हमने 3 लेक्चर पूरे करे हैं, चौथा लेक्चर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप एग्जैक्टली तो नहीं बता पाएंगे कि आप अलग अलग बच्चा अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों तक कोशिश ये है कि हम बच्चे के व्यवहार को समझें, उसके स्वभाव को समझें, उस पर हम विचार करें, बच्चे को समझने की कोशिश करें। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि हर एक बच्चा अलग है, तो उसी के मद्देनज़र हमने 4 कैटेगरी बांटी है। तो पहली कैटेगरी है विश्लेषक। विश्लेषक मतलब इस कैटेगरी में हमने जो अध्ययन हुआ है, रिसर्च हुआ है, ये देखने में पाया गया कि जो विश्लेषक कैटेगरी के बच्चे होते हैं, कि ये बच्चे बड़ा सोच समझ के आंसर देते हैं। ऐसी कुछ पेरेंट्स से भी शिकायत आई है, कि शिकायत नहीं, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि उन्होंने बताया, अपना कंसर्न बताया कि हमें ऐसा लगता है यह छोटा बच्चा है लेकिन बड़ी बड़ी बातें करता है। ऐसा लगता है कि जैसे बुजुर्ग लोग बातें करते हैं, कि बहुत गहनता से, बहुत सोच समझ के, अगर उससे कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो वो हाँ या ना का उत्तर देने में वो विचार करेगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इस कैटेगरी के बच्चे बहुत सोच समझ कर चीज़ों को करते हैं, जिसको हमने विश्लेषक कैटेगरी में डाला है। दूसरी कैटेगरी हमने डाली है नायक। नायक कैटेगरी डाली है। नायक वाले जो बच्चे होते हैं वो निडर होते हैं, एकदम हर कहीं पर भी चले जाएंगे तो एकदम वो तुरंत उत्तर देते हैं, किसी भी चीज़ से वो डरते नहीं है, कुछ भी कंसर्न आ जाए उसका उनके पास हाजिर जवाब होते हैं। तो इस तरह के बच्चों में एक कम्पिटिटिव लेवल भी होता है, जैसे देखने में आया कि वो क्लास में भी चाहेंगे कि वो फर्स्ट आए, वो मैदान में भी चाहेंगे फर्स्ट आए, वो हर मुद्दे पर, छोटी से छोटी चीज़ पर वो चाहेंगे कि उनको नोटिस करा जाए, टीचर भी उनको नोटिस करे, पेरेंट भी उनको नोटिस करे, रिश्तेदार भी उनको नोटिस करे। तो इस तरह के बच्चे थोड़े जिद्दी भी होते हैं, अपनी बात मनवाना जानते हैं, ये हम बोल सकते हैं नायक कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी आती है सृजनात्मक कैटेगरी है। सृजनात्मक मतलब जो बच्चे क्रिएटिवली बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, कि उनको क्रिएटिव काम करना पसंद है, आर्टिस्टिक काम करना पसंद है। इस तरह के बच्चे बहुत सारे लोगों से उन्हें मिलना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, और वो अपना एक अलग इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं, अपना शांति से रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, और थोड़ा ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये इस कैटेगरी के बच्चे थोड़े आलसी भी होते हैं, कि वो ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं लेते हैं और एक अपने अलग स्पेस में रहते हैं, लेकिन अगर हम उनको आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी क्रिएटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है। जो चौथी कैटेगरी है, इसमें अभी हमने बात करी पहली विश्लेषक, दूसरी हमने नायक, चौथी, तीसरी अब सृजनात्मक, चौथी है मिलनसार। कुछ बच्चे जो मिलनसार, जिनके अंदर प्रेम की भावना होती है, वो बच्चे क्या करते हैं कि दूसरों के दुख में शामिल हो जाते हैं, और बहुत जल्दी जहाँ पर भी जाते हैं लोगों को मौज मस्ती करते हैं और हंसी मजाक बहुत करते हैं, मिलनसार होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अब एक एक्टिविटी को समझ लेते हैं। एक एक्टिविटी कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास 4 कैटेगरी हैं बच्चों की। अब उन 4ों कैटेगरी के लिए हमने क्या करा कि हमने बोला कि उन बच्चों को हमने टी शर्ट दे दी, 4 टी शर्ट दी गई 4 ग्रुप को, ठीक है। ये जो 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 मैंने आपको बताई, पहली है हमारी विश्लेषक, दूसरी हमारी नायक, नायक मतलब जो लीडरशिप करेंगे, तीसरी हमारी सृजनात्मक, और चौथी है हमारी मिलनसार। अब इन 4ों ग्रुप को हमने 4 टी शर्ट दी, अलग अलग रंग दे दिए। जो पहली कैटेगरी के बच्चे हैं, जो विश्लेषक रूप से हैं, जब उन्होंने जो टी शर्ट बनाई उसमें प्रॉपर कॉलर है, प्रॉपर बटन्स लगाए हैं, प्रॉपर पॉकेट बनाया है, एकदम परफेक्ट। जो सृजनात्मक कैटेगरी के बच्चे, उन्होंने बोला कि इसमें टाइम भी दिया गया था, इसमें 20 मिनट दिए गए थे हर हर एक ग्रुप को, तो उन्होंने बोला कि 20 मिनट तो बहुत कम है, 20 मिनट में तो हो ही नहीं सकता, हमें तो 30 मिनट चाहिए। तो उस कैटेगरी के बच्चों ने जो टी शर्ट बनाई, वो देख के लगता था किसी जैसे फैशन डिजाइनर ने बना दियो, उसमें इतना उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई। जो तीसरी कैटेगरी है निडर, नायक, नायक वाले बच्चों ने बोला 20 मिनट तो तुमने ज़्यादा दे दिए, ये तो हम 10 मिनट में बना देंगे। उन बच्चों ने क्या करा, जल्दी से 10 मिनट में ही एक डंडी पे वो टांग दी, इस तरीके से बहुत 10 मिनट में उन्होंने उस टी शर्ट पे अपनी क्रिएटिविटी दिखा के काम को खत्म करा। जो मिलनसार बच्चे हैं, वो मैंने बोला कि बहुत मस्ती करते हैं, दंगली हैं,
उन्होंने टी शर्ट को गंदा कर दिया, जहां पर वो काम कर रहे थे सब रंग वंग बिखेर दिए, खूब मस्ती करी। तो इस एक्टिविटी के मद्देनजर हमें पता लगा कि अलग अलग बच्चे का व्यवहार होता है, हर बच्चा अलग है, उसमें अलग अलग विशेषताएं हैं जिसको हमें बहुत ज़्यादा सकारात्मक रूप से समझना होगा। और जब हम बच्चे के बिहेवियर को समझेंगे, जब हम उस पर विचार करेंगे, क्यों बच्चा चुप रहता है, क्यों बच्चा इतना तेज बोलता है, क्यों बच्चा उल्टा जवाब देता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि अलग अलग हमने इसको कैटेगरी में बांटा, और उसी तरीके से हम बच्चे को समझें और उसी तरीके से उसके कार्य को हम सुधारें। जब हम विचार करेंगे उसके बिहेवियर पे, तो हम बहुत सारी चीज़ों का आंसर ढूंढ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।